नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बता रहे हैं कि कैसे बिहार सरकार जल्द ही गिरने वाली है और बिहार में मध्यवर्तीय चुनाव होने वाला है। चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, आप पहले देख लीजिए। चुनाव की तैयारी नहीं है, ये 2024 से पहले बिहार प्रदेश में होने वाले मध्यवर्ती चुनाव की तैयारी है। मैंने बार बार इस बात को कहा है कि मौजूदा गठबंधन अपना कार्यकाल पूरा करे ऐसा लगता नहीं है, और परिणाम स्वरूप बिहार में जल्द मध्यवर्ती चुनाव होंगे। कल भी कुछ पत्रकार साथियों ने मुझसे सवाल किया था और उस वक्त भी मैंने इस बात का जवाब दिया था कि ये चुनाव से पहले की, ये तूफान से पहले की खामोशी है। अगर किसी को लग रहा है कि भैया गठबंधन में सब ठीक हो गया, अभी पड़ाव दर पड़ाव गठबंधन मौजूदा सरकार के जो दोनों घटक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, अभी कई ऐसे पड़ाव हैं जहां पर उनका मतभेद खुलकर सामने आएगा। जातीय जनगणना पर भले एक पक्ष में सब दिखने का प्रयास कर रहे हैं, पर उनके जब विभिन्न खंडों पर जब चर्चा होगी उसमें मतभेद सामने आएंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून के वक्त आप देखेंगे विरोधाभास खुलकर सामने आएगा। CAA NRC को लेकर इन लोगों के मतभेद खुलकर सामने आएंगे। राष्ट्रपति चुनाव अभी होने वाले हैं, चुनाव आयोग संभवतः जल्द उसकी भी अधिसूचना हम लोग के समक्ष आएगी, उसको लेकर दोनों गठबंधन के घटक दलों के बीच में क्या सहमति बनती है नहीं बनती है, तो तमाम अभी ऐसे पड़ाव हैं। देखिए, जब आपके दिल नहीं मिलते हैं, जब आपके विचार नहीं मिलते हैं और सिर्फ सत्ता का सुख पाने के लिए अगर दो लोग मजबूरन आपस में, चुनाव की तैयारी नहीं है, ये 2024 से पहले बिहार प्रदेश में होने वाले मध्यवर्ती चुनाव की तैयारी है। मैंने बार बार इस बात को कहा है कि मौजूदा गठबंधन अपना कार्यकाल पूरा करे ऐसा लगता नहीं है, और परिणाम स्वरूप बिहार में जल्द मध्यवर्ती चुनाव होंगे। कल भी कुछ पत्रकार साथियों ने मुझसे सवाल किया था और उस वक्त भी मैंने इस बात का जवाब दिया था कि ये चुनाव से पहले की, ये तूफान से पहले की खामोशी है। अगर किसी को लग रहा है कि भैया गठबंधन में सब ठीक हो गया, अभी पड़ाव दर पड़ाव गठबंधन मौजूदा सरकार के जो दोनों घटक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, अभी कई ऐसे पड़ाव हैं जहां पर उनका मतभेद खुलकर सामने आएगा। जातीय जनगणना पर भले एक पक्ष में सब दिखने का प्रयास कर रहे हैं, पर उनके जब विभिन्न खंडों पर जब चर्चा होगी उसमें मतभेद सामने आएंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून के वक्त आप देखेंगे विरोधाभास खुलकर सामने आएगा। CAA NRC को लेकर इन लोगों के मतभेद खुलकर सामने आएंगे। राष्ट्रपति चुनाव अभी होने वाले हैं, चुनाव आयोग संभवतः जल्द उसकी भी अधिसूचना हम लोग के समक्ष आएगी, उसको लेकर दोनों गठबंधन के घटक दलों के बीच में क्या सहमति बनती है नहीं बनती है, तो तमाम अभी ऐसे पड़ाव हैं। देखिए, जब आपके दिल नहीं मिलते हैं, जब आपके विचार नहीं मिलते हैं और सिर्फ सत्ता का सुख पाने के लिए अगर दो लोग मजबूरन आपस में, तो आपने देखा कि चिराग पासवान साफ साफ कह रहे थे कि जब दिल ना मिले और सिर्फ सत्ता का सुख पाने के लिए एक गठबंधन हो तो वो गठबंधन आखिर कब तक चलेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि तमाम मुद्दों पर जदयू और भाजपा अलग अलग हैं, इसके बावजूद भी वो लोग एक साथ होने का ढोंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2024 से पहले बिहार में चुनाव होंगे, ये जो सरकार है इंडिया की सरकार बिहार में गिरने जा रही है, इसी को लेकर तैयारी चल रही है। तो चिराग पासवान के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है कि 2000 से पहले बिहार में फिर से चुनाव होंगे, क्या जो इंडिया की सरकार है वो गिर जाएगी, क्या जदयू भाजपा का जो गठबंधन है वो टूटने वाला है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।